हेलो एवरीवन, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स पे ऑलरेडी मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन ग्राफ पार्ट वन में मैंने आपके साथ दो ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन की थी, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ऑपरेशंस ऑन ग्राफ पार्ट टू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को। ठीक है, अब ये होगा जी ऑपरेशंस ऑन ग्राफ पार्ट थ्री। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऑपरेशन की बात करूंगा, जो लास्ट के दो ऑपरेशंस हैं, दैट इज सेट डिफरेंस और एक्सओआर ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो भाई स्लाइड पे आते हैं और अपनी बात करते हैं फटाफट से, है ना। तो लो भाई, ये है हमारी ये है हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला ऑपरेशन है ये सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस भाई वही है जैसे आपने ग्राफ सेट थ्योरी में पढ़ रखा है, कोई दो सेट्स है हमारे पास ए ए और बी, तो ए माइनस बी क्या होता था भाई, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, है ना। तो बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग यहाँ चलेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो हम जैसे देखो सेट डिफरेंस कैसे दिखाएंगे भाई, दो ग्राफ है G1 G2, तो G1 माइनस G2 से हम रिप्रेजेंट कराएंगे सेट डिफरेंस को और बोलेंगे क्या, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1 माइनस G2 विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1 ओनली। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, जो सेट डिफरेंस ऑपरेशन हम सेट्स में करा करते थे प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी ऐसे बोलते थे, तो यहाँ पे भी आपको लगेगा कि वर्टेक्स सेट ऑफ G1 माइनस G2 विल बी ऑल द वर्टिस प्रेजेंट इन G1 but not in G2, ऐसा कुछ नहीं है भाई। vertex set of G1 minus G2 will be equal to vertex set of G1 only. ठीक है, please ये बात आपको ध्यान रखनी है। और edge set of G1 minus G2 ये आपका expected है जो आप सोच रहे थे, that is edge set of G1 minus edge set of G2. ठीक है, तो वही बात है, मैं एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आएगा, ऐसे जितना मर्जी बोलूं आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब देखो हमारे पास जैसे एक ये ग्राफ G1 ग्राफ है और एक G2 ग्राफ है। ठीक है जी, तो मैं अब आपको कहता हूं कि G1 माइनस G2 बताओ। ठीक है, तो वही बात है एक्चुअली ना, यहाँ पे आप बताओगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसका लेबल चेंज करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको काम करने में, तो मैं ले लेता हूँ से बी सी और ई। ठीक है, ये है हमारे पास। हाँ, अब बताओ G1 माइनस G2 बताओ। तो सिंपल बात है भाई, पहले तो ऊपर देख के आओ, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 माइनस G2 इज वर्टेक्स सेट ऑफ G1 ओनली, तो मतलब जो भी वर्टेक्स सेट है G1 का उठा के कॉपी पेस्ट कर देना चुपचाप से। तो ए बी सी डी लिख लो फटाफट से, कौन कौन से है भाई ये, कैसे है चेक कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है जी, ये हो गया वर्टेक्स की कहानी खत्म ना। आप एजेस की बात करो, एज सेट ऑफ G1 माइनस एज सेट ऑफ G2, मतलब जो भी एजेस यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ नहीं है वो सब उठा के लिखनी है। तो ए बी एज देखो भाई, पहले तो इतनी बात करो, ए बी एज क्या यहाँ पे होगी, देखो कॉमन सेंस से सोचो, क्योंकि ए वर्टेक्स ही यहाँ पे नहीं है कहीं, तो ए से जो भी एजेस जा रही होंगी वो चुपचाप से हम यहाँ पे उठा के लिख लेंगे, तो मतलब ए बी और ए डी। ठीक है, नहीं तो सिंपल बात करनी, अगर इतना डीप में नहीं जाना, वैसे तो कॉमन सेंस समझ पा रहे होगा, बट स्टिल जिसको दिक्कत है तो मैं बोल देता हूँ, एक एक करके एज चेक कर लो। सिंपल बात करो, ए बी ए बी एज यहाँ नहीं नजर आ रही ना, तो ए बी एज बनानी है। अच्छा जी, ए डी एज, ए डी एज यहाँ नहीं नजर आ रही ना, तो यहाँ पे बनानी है। और कॉमन सेंस अब आप लगाओ, अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी, क्योंकि ए वर्टेक्स हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो ए की जो भी एजेस होंगी वो चुपचाप से बना लेना। ठीक है जी, अब बी की बात करो, बी ए, बी ए आप ऑलरेडी बना चुके हो, बी सी, बी सी की बात करो भाई, देखो बी सी एज यहाँ पे है, तो इसलिए बी सी एज मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बी सी वाली एज यहाँ नहीं बनाऊंगा। अच्छा जी, और कौन सी बची थी, सी डी एज बची थी, चार एज थी ना, एक एक करके मैं सबकी कहानी कर रहा हूँ। तो सी डी, सी डी देखो भाई, क्योंकि डी वही बात है, डी वर्टेक्स हमारे पास यहाँ ही नहीं, तो सी डी एज हमारे पास आएगी। ठीक है जी, वैसे सिंपल चेक भी कर सकते, सी डी एज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सी डी एज नहीं है, तो खत्म कहानी भाई, ये आ जाएगा हमारे पास फिलहाल G1 माइनस G2। ठीक है जी, अच्छा अब G2 माइनस G1 करो, G2 माइनस G1 में क्या कहानी होगी, तो पहले G2 है ना भाई, तो इसका मतलब वर्टेक्स सेट ऑफ G2 कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो वर्टेक्स सेट ऑफ G2 हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो लो भाई बी सी और ई। ठीक है, अच्छा अब फिर वही बात, चेकिंग करो भाई एजेस की, है ना, तो ऐसी एज देखना जो यहाँ हो बट यहाँ ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीसी की बात करो, बीसी एज यहाँ है तो नहीं कर सकते, बीई एज, बी एज यहाँ पे नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ई वर्टेक्स यहाँ पे है ही नहीं, है ना, ई वर्टेक्स जो G2 में है वो G1 में है ही नहीं, तो चुपचाप से कॉपी पेस्ट कर लेना भाई, है ना, तो मतलब वही बात है, इसकी एजेस उठा करके चुपचाप से कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, बीई एज नहीं है ना यहाँ पे, तो बना उठा करके फटाफट से, बीई एज बना दी। अच्छा जी, फिर ईसी एज यहाँ नहीं है ना, उठा करके बना दो, बस ज्यादा टाइम पास मैं करता ही नहीं, सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा G2 माइनस G1 कैसे कर रहे हैं, और देखते ही आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे आपको सेट डिफरेंस ऑपरेशन पता भी है, आपने पढ़ा भी है सेट थ्योरी में, आपको देखते नजर आ रहा होगा भाई, G1 माइनस G2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू G2 माइनस G1, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे चार वर्टेस है, यहाँ पे तीन वर्टेस है। तो बस मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है, सेट डिफरेंस में जो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो ये है, सेट डिफरेंस आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, ए माइनस बी प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, तो ये कहानी एज सेट पे तो लागू हो रही है लेकिन वर्टेक्स सेट पे लागू नहीं हो रही। वर्टेक्स सेट में v ऑफ G1 माइनस G2 विल बी v ऑफ G1 ओनली, तो जो भी पहला हमारे पास ग्राफ होगा ना उसका वर्टेक्स सेट कॉपी पेस्ट कर लेना आपको, दैट विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ G1 माइनस G2। ऐसे वर्टेक्स सेट ऑफ G2 माइनस G1 विल बी व्हाट,
व्हाट ए सेट ऑफ जी टू, व्हाट ए सेट ऑफ जी वन माने जी वन विल बी वन, व्हाट ए सेट ऑफ जी वन एंड सो ऑन, मैंने काफी बार बोल दिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो जी अब देखो, आप नोट करके देखो, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, जी वन माइनस जी टू इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी टू इन जी वन। इस बात का क्या मतलब हो, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो ए माइनस बी आपको पता है जो हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन बोलते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। ठीक है, ए माइनस बी का दूसरा नाम क्या होता है भाई, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब माइनस जो सेट डिफरेंस ऑपरेशन है ना, मैं उसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कहता हूं। ठीक है, और ढंग से बोलूं तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो जनरल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या होता था, जैसे मैं कोई बी कोई बी सेट है, ठीक है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या कहूंगा भाई, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ना। तो अब ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट हम बी का देख रहे हैं इन ए। थोड़ा सा इंट्यूटिव काम है ये, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा, मतलब प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, हम ये बोलते थे ना भाई, सेट डिफरेंस क्या होता था भाई, प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, तो मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में है बट बी में नहीं है, तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली हम कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं बी का, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। जनरली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में देखना, मतलब प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी, दैट इज द एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट, बट ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, सेट डिफरेंस ऑपरेशन को हम लोग रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, दिस इज जनरल कंसेप्ट, ये सेट थ्योरी में आता है। तो माइनस को जो सेट डिफरेंस ऑपरेशन होता है, हम उसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। और अब वही बात है, अच्छे से बोलेंगे, अगर दो सेट है ए बी, ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए माइनस बी विल बी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। प्लीज ध्यान रखना, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, यू कैन से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसलिए हमने इसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कहा है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो आपने अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ये मैं ग्राफ थ्योरी से लिंक करता हूँ। ठीक है, अब देखो लिंकिंग देखना ग्राफ थ्योरी के साथ मैं कैसे करता हूँ, यही तो ब्यूटीफुल पार्ट है ना कंप्यूटर साइंस का, चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती है एक दूसरे के साथ, है ना, जो सेट थ्योरी में पढ़ा पढ़ी चीजें, अब वो मैं ग्राफ थ्योरी में लिंक करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ग्राफ भी क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस तो है, तो सेट वाले काम यहाँ पे होंगे, और वही सेट ऑपरेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो भाई, अब देखो मैं आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल बात समझाता हूँ। हमने ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया ना भाई, तो ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट को मैं एक नए स्टाइल से लिख सकता हूँ, ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट विल बी के एन माइनस जी। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ जी इज ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, अगर एन वर्टिसेस का है ग्राफ जी, तो ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, के एन माइनस जी, तो मतलब सेट डिफरेंस के साथ मैंने लिंक कर दिया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को, समझ पा रहे हो ना भाई, मतलब देखो के एन माइनस जी करने का मतलब क्या होगा, जो भी ऑर्डर होगा, मतलब जी कॉम्प्लीमेंट का जो भी, मतलब ऐसे बोलता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ के एन, दैट विल बी एन ओनली। तो ऑर्डर ऑफ जी भी हमारे पास एन था, ऑर्डर ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास एन आया, यही हम करा करते थे। और क्या बोलते थे, ऐसी एजेस जो कि कंप्लीट ग्राफ में प्रेजेंट है बट जी में नहीं है, और वही चीज हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो के एन माइनस जी में सेट डिफरेंस ही तो बोलता था कि एजेस प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, जहां पेन चल रहे वहां ध्यान लगाओ भाई, एजेस प्रेजेंट हेयर बट नॉट हेयर, तो वो जी तो होगी एक किस्म से, तो जी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट के एन माइनस जी ओनली। ठीक है, तो ये होता था जी एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात ये समझो, जब मैंने बोला ये कोई दो ग्राफ थे G1 और G2, और मैंने बोल दिया जी वन माइनस जी टू करा, तो अब खास बात क्या है कि जो जी वन है ये कोई कंप्लीट ग्राफ नहीं है भाई, रादर हो भी सकता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सपोज कर लो कोई कंप्लीट ग्राफ नहीं है, जैसे जी वन है हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ और जी टू है हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ, है ना, तो हम लोग जनरल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अब ये कोई जितना जी टू का ऑर्डर है उतना जी वन का ऑर्डर हो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे चार वर्टिसेस का ग्राफ है, यहाँ पे तीन वर्टिसेस का ग्राफ है ना, और इसमें से इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एजेस विच आर प्रेजेंट इन जी वन बट नॉट इन जी टू, तो मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला है जी टू विद रिस्पेक्ट टू जी वन, या यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी टू इन जी वन, बात समझ में आई, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो प्लीज आई थिंक काफी हद तक मैंने कोशिश की है समझाने की, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने बस नाम बता दिया आपको, शायद कई बार गेट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन आ जाए, इसलिए मैंने नाम बता दिया और थोड़ा सा डिटेल भी दे दिया। ठीक है जी, तो जीवन माने जी टू इज नोन एज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी टू इन जीवन, जीवन के अंदर
जीटू का कॉम्प्लीमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जीवन के अंदर जीटू का कॉम्प्लीमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे। चलो भाई ठीक है, अब बात आते हैं सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। वी ऑफ जीवन इज 5, है ना। तो मतलब साइज ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन इज 5, साइज ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जीटू इज 3। तो दो ग्राफ है जीवन जीटू, रफली मैंने लिखा है, प्लीज ये सब चीजें आपको पता है। मैंने आपको जो पार्ट वन देखो मेरा ऑपरेशन ग्राफ पार्ट वन, मैंने वहां बहुत डिटेल में ये सब चीजें आपको बताई थी। रफ क्वेश्चन लिखा हुआ फटाफट से बस टाइम सेव करने के लिए। हाँ जी, तो साइज ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जीटू इज 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ साइज ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू बताओ भाई। देखो बहुत सिंपल है, साइज ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू क्या होगा, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन का साइज है ना, इतना तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा भाई। देखो अभी ऊपर तो बता के आए हो, टाइम पास कर रहे हो, है ना। ये देखो वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू का साइज, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू क्या है भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन ओनली, तो इसका साइज वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू का साइज क्या होगा भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन का साइज, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली साइज भी बराबर ही होगा, ठीक है जी। दो सेट इक्वल, दो सेट सेम है तो ऑब्वियसली बात है उनका साइज भी सेम होगा, ठीक है जी। तो वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू का साइज क्या होगा भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन का साइज, ठीक है जी। अब आएगी मेन बात, एच सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू का साइज बताओ क्या होगा। कॉमन सेंस से मेरे को एक बात ये समझाओ, मैं अभी आपको ऊपर बता के आया, देखो ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको समझाया था एच सेट ऑफ जीवन माइनस जीटू क्या था भाई, एच सेट ऑफ जीवन माइनस एच सेट ऑफ जीटू, मतलब अगर हम एक एज ए सेट मानते हैं, ठीक है, मतलब जो भी एच सेट है जीवन का, एच सेट ऑफ जीवन क्या होगा भाई, ए बी बी सी सी डी एडी, है ना, चार एजेस है हमारे पास, ये प्रॉपर सेट फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है, माइनस एच सेट ऑफ जीटू। तो जो भी एच सेट ऑफ जीटू होगा क्या होगा भाई, बी सी बी ई ई सी, है ना। तो इस सेट में से इस सेट को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर, तो दैट विल बी एच सेट ऑफ जीवन माइनस जी टू। अच्छा अब अगर मैं इसका साइज निकालना चाहूं तो आई थिंक आपको पता होगा भाई, है ना। अगर ये देखो आपको ये चीज याद है कि नहीं, देखो ए माइनस बी का साइज क्या होता था भाई, ए का साइज माइनस ए इंटरसेक्शन बी का साइज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, है ना। तो a माइनस बी का साइज मैं निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा भाई, a का साइज, दिस एंटायर सेट इज a ना, a का साइज माइनस a इंटरसेक्शन b का साइज। आई थिंक सबको पता होगा भाई, प्लीज मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ, नहीं याद आ रहा तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना भाई, एसेट ऑफ जीवन माइनस जी टू, एसेट ऑफ जीवन माइनस एसेट ऑफ जी टू, ये एज ए सेट फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं। तो साइज कैसे निकालते हैं भाई, तो सेट ई जी वन माइनस ई जी टू का साइज क्या होगा भाई, ई जी वन का साइज माइनस ई जी वन इंटरसेक्शन जी टू का साइज। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैं लिखूं इसको, है ना। तो ये तो आपने पता लगा लिया, तो अगर मैं आपको कहूं कि ई जी वन माइनस ई जी टू इसका साइज मुझे जरा समझाओ, तो इसका साइज क्या होगा भाई, e जीवन माइनस, अब वही बात, अभी थोड़ा सा गंदा लिखा जा रहा है मेरे से, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो e जीवन है ये, ठीक है, e जीवन माइनस e जी टू का साइज, दैट विल बी e ऑफ जीवन का साइज, ठीक है, e ऑफ जीवन का साइज माइनस e ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जी टू का साइज, ठीक है। ये आई थिंक बेसिक सी बात है भाई, आप समझ पा रहे होगे, है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है। सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देख लो अगर आपको ये नहीं पता तो, और वैसे वेन डायग्राम से भी आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है जी। हाँ जी, तो वही है ना भाई, देखो ई ऑफ जीवन माइनस जी टू दैट इज नथिंग बट ई ऑफ जीवन माइनस ई ऑफ जी टू, है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ जीवन माइनस जी टू, ठीक है, इसका साइज e of g1 minus g2 का साइज, that will be equal to e of g1, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको एक 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 तरफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये पार्ट है भी पूरा, ठीक है, डिफरेंट कलर भी लगा देता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो, इतना पार्ट पे कंसंट्रेट करो ये चीज, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक्स में मैं बहुत बात बोलूंगा ना तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा भाई, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि ये चीजें देखो ये और ये सेट बराबर है, ठीक है, प्लीज इस बात को समझो, ये सेट और ये सेट बराबर है तो ऑब्वियसली इनका साइज भी तो बराबर होगा, तो इसलिए फिर मैंने बोल दिया कि इसका साइज और इसका साइज बराबर है, तो बस वो चीज मैंने लिख दी, इसका साइज और इसका साइज बराबर है, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी साइज ऑफ ई जी वन माइनस ई जी वन इंटरसेक्शन जी टू के साइज के बराबर होगा, है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी। तो बस आप देख लो, बस ये न्यूमेरिकल बस फिर मैंने बना करके दे दिया आपको, है ना। तो अब आप आंसर बता पाओगे, ई ऑफ जी वन माइनस जी टू का साइज क्या होगा भाई, है ना, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू ई ऑफ जी वन का साइज, है ना, ये अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो ई ऑफ जी वन का साइज माइनस ई ऑफ जी वन इंटरसेक्शन जी टू का साइज, ठीक है। हाँ जी, तो ई ऑफ जी वन का साइज बता दो भाई, e of g1 का साइज यहाँ से देख लो 6 है, और e of g1 intersection g2 का साइज कितना है, अभी 1 है,
तो 6 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है, 5 विल बी द आंसर। और यहाँ से वर्टेक्स सेट और जीवन का साइज कितना था जी, 5 था, तो इसका भी आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो भाई। हाँ जी, तो मैं छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पर नजर आ जाए। वी ऑफ जी टू माइनस जीवन का साइज आपसे पूछ रहे हैं, तो वी ऑफ जी टू माइनस जीवन का साइज कितना होगा, ऑब्वियसली वी ऑफ जी टू ओनली, तो वी ऑफ जी टू का साइज कितना है जी, 3 है, तो 3 आंसर आ जाएगा। और ई ऑफ जीवन माइनस जी टू का साइज कितना होगा, सॉरी ई ऑफ जी टू माइनस जीवन कहना चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो ई ऑफ जी टू माइनस, क्योंकि वो तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको। हाँ जी, तो ई ऑफ जी टू माइनस जीवन का साइज कितना होगा भाई, ई ऑफ जी टू का साइज माइनस ई ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जी टू का साइज, ठीक है। हाँ जी, तो सेट थ्योरी वाली बातें सारी आपको पता है। हाँ जी, तो ई ऑफ जी टू बताओ भाई, ई ऑफ जी टू का साइज कितना है भाई, 3 है ना, 3 माइनस ई ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जी टू का साइज कितना है भाई, ये दे रखा है आपको, ई ऑफ जीवन इंटरसेक्शन जी टू का साइज 1 दे रखा है, तो 3 - 1 दैट विल बी 2, दैट्स इट। ठीक है, मैंने 10 काम किए, क्योंकि ये बेसिक बेसिस से पॉइंट्स सबको पता होंगे, तो मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ज्यादा से ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल आएगा और कुछ नहीं आएगा, और बिल्कुल डेड सिंपल काम है, इसमें मैं क्यों टाइम पास करूँ, है ना। तो ले शुरू से एक आप फटाफट नोट डाउन कर लो चीजें, ठीक है, तो यहाँ तक कर लो, चलो बेसिक से कोर्स यहाँ तक कर लो, ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने, हाँ फिर बचाओ पार्ट ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी, चलो ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, एक्स और बोल दो, एक्स और कैसे लिखोगे भी, जीवन एक्स और जी टू, है ना, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिंग सम या सिमेट्रिक डिफरेंस। रिंग सम एक्चुअली ये ग्राफ थ्योरी की कहानी है, ग्राफ थ्योरी में ज्यादातर रिंग सम यूज होगा, ठीक है, सेट थ्योरी में आपने एक्स और पढ़ा है, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा है, सब आपको पता होगा ना। लॉजिक में वैसे हम लॉजिक में एक्स और बोला करते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग सेट थ्योरी में बोला करते थे, तो अलग अलग भाषा है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, मतलब कंसेप्ट वही है, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिमेट्रिक डिफरेंस लॉजिक में बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट और वही बात है, रिंग सम आप लॉजिक में बोल दो या सेट थ्योरी में आप रिंग सम बोल दो, एंड सॉन इट हार्डली मैटर्स, बट थोड़ा सा वही है, ब्यूटीफुल लगता है, मतलब अच्छी टर्म यूज करना थोड़ा सा ठीक लगता है ना। तो सेट थ्योरी में ज्यादातर सिमेट्रिक डिफरेंस चलता है, ग्राफ थ्योरी में ज्यादातर रिंग सम चलता है, और एक्स और ज्यादातर लॉजिक में चलता है। चलो ठीक है जी, आओ भाई ऑपरेशन पे आओ, तो जो आप एक्स और में जैसे आप पढ़ के आए हो सेट थ्योरी में, बिल्कुल वही कहानी है, बिल्कुल एज इज, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो जीवन एक्स और जी टू विल बी इक्वल टू व्हाट, जीवन माइनस जी टू यूनियन जी टू माइनस जीवन, जीवन माइनस जी टू मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, जी टू माइनस जीवन मैंने अभी आपको निकालना सिखा रखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है। हाँ जी, तो दोनों का यूनियन कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, तो बस कुछ नहीं है इसमें, है ना, तो बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो फिर तो बाकी तो ये सब बकवास है, ये तो आप अपने आप से गैस भी कर जाओगे। तो अब आप वैसे मेरे को जरा समझाओ, क्योंकि ये आपको चीज एग्जैक्ट समझ में आ चुकी है कि हम क्या कर रहे हैं, तो बस उससे अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो मुझे जरा समझाओ, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन एक्स और जी टू क्या होगा भाई, वर्टेक्स सेट क्या होगा, दैट विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन जी टू। वाई वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन जी टू, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जीवन एक्स और जी टू क्या है, जीवन माइनस जी टू यूनियन जी टू माइनस जीवन, तो जीवन माइनस जी टू का वर्टेक्स सेट क्या होगा, जीवन का वर्टेक्स वर्टेक्स सेट, है ना, और जी टू माइनस जीवन का वर्टेक्स सेट क्या होगा, जी टू का वर्टेक्स सेट, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जीवन का वर्टेक्स सेट यूनियन जी टू का वर्टेक्स सेट, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखो भाई, जीवन जीवन माइनस जी टू का वर्टेक्स सेट क्या होगा भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जी टू इज इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन, और वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू माइनस जीवन क्या होता है भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू माइनस जीवन क्या होता है भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, है ना। और अब आप कर क्या रहे हो भाई, अब आप कर रहे हो इन दोनों का यूनियन, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख दूं अच्छे से, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं लिख देता हूं, वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, हाँ जी, तो वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन माइनस जी टू इज नथिंग बट वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन, वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू माइनस जीवन इज नथिंग बट वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, ये अभी मैं आपको बता के हूं, प्लीज ध्यान रखना भाई, मैं बेशक से अगर आपको बार बार चीजों में डाउट आता है तो मैं आपको समझा देता हूं, सेट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एजेस होता है, विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स नहीं होता, मैं पॉइंट लिख देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, कल को आपको कंफ्यूजन में डाला है ना डाल दे, इसलिए ये देखो मैंने वैसे लिखा भी है फॉर्मूला, तो मैं यहीं पे कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जो सेट डिफरेंस ऑपरेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एजेस ओनली, ठीक है, तो नॉट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस, वर्टिसेस के रिस्पेक्ट में सेट डिफरेंस कुछ नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ एजेस के रिस्पेक्ट में चलता है, तो इसलिए फिर मैंने आपको आगे लिख करके भी दिखा दिया कि वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन जी टू वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन, वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू जीवन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, हाँ जी, और दोनों का यूनियन करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू आएगा, हाँ जी, तो क्या बन के आएगा भाई, दिस विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ, हाँ तो ये क्या है, हाँ चलो मैं इधर लिखता हूँ, तो दैट विल बी, हाँ जी, तो वर्टेक्स सेट ऑफ जी वन यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू,
और ये क्या होता है भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू क्या होता है भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन जी टू होता है, ये आपको याद आ रहा होगा। अभी तो थोड़ी देर ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ग्राफ ऑपरेशंस में, फर्स्ट पार्ट में देखना भाई, यूनियन इंटरसेक्शन जब पढ़ा रहा तो वहां डिस्कस किया था, नहीं याद आ रहा तो ये लो भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, ये सब चीजें एक एक बार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो भाई वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन जी टू क्या था भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है भाई, ठीक है, तो प्लीज टेंशन मत लेना। तो बस वही चीज मैंने यहाँ लिख करके दिखाई है कि वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन एक्स जी टू विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन जी टू दैट विल बी वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ जी टू, ठीक है जी। आगे बोलो भाई, एस सेट ऑफ जीवन एक्स और जी टू विल बी व्हाट, एस सेट ऑफ जीवन एक्स और एस सेट ऑफ जी टू, ये ऑब्वियस ही बात है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप कॉमन से समझ पा रहे होंगे, जब आप एच सेट की बात करोगे, एच सेट ऑफ जीवन माइनस जी टू क्या है, पीछे देख के आओ, एच सेट ऑफ जीवन माइनस जी टू क्या है, एच सेट ऑफ जीवन माइनस एच सेट ऑफ जी टू है कि नहीं। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख करके दिखाऊं आपको, हाँ जी, तो ये देखो भाई एच सेट ऑफ, ये देखो मैं इधर लिखता हूँ, एच सेट ऑफ जी वन माइनस जी टू दैट विल बी एच सेट ऑफ जी वन, एच सेट ऑफ जी वन माइनस एच सेट ऑफ जी टू, ठीक है। सिमिलरली एच सेट ऑफ जी टू माइनस जी वन क्या होगा भाई, एच सेट ऑफ जी टू माइनस एच सेट ऑफ जी वन, ये मैंने अभी आपको समझाया था, हाँ जी। तो अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, मैं अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ, जी वन एक्स और जी टू क्या है, जी वन माइनस जी टू यूनियन जी टू माइनस जी वन, तो बस इन दोनों के एच सेट का यूनियन करवाओ, है ना, तो क्या बन के आएगा भाई, तो हम बोलेंगे ई जी वन माइनस ई जी टू, ई जी टू यूनियन ई जी टू माइनस ई जी वन, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात। हाँ तो बस अब देखो, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है ना, सेट ही तो है सारे के सारे, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ये आपको याद आ रहा होगा एक्स और ऑपरेशन होता था, तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिख करके दिखा रखी है, ई जी वन एक्स और ई जी टू, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए माइनस बी, ये देखो याद करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये याद करो भाई, ये एक्स और ई तो होता था, नहीं याद आ रहा तो लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये एक सेट, ये सेट, ये है ए, ये है बी, तो ए माइनस बी क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट, बी माइनस ए क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो है, मतलब प्रेजेंट एयर बट नॉट है, प्रेजेंट एयर बट नॉट है, वो चीज ही तो है, मतलब कॉमन पार्ट आपने इंक्लूड नहीं किया, तो मतलब एक्जैक्टली एक जगह पे प्रेजेंट होगी जो एलिमेंट वो आ जाएंगे। अब बस मैं और ज्यादा क्या बोलूँ, प्लीज मैं से और बेसिक्स मत बोलो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, चलो ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर सको, हाँ जी, तो x और ये आई थिंक यहाँ से नोट डाउन कर लेना, तो जी वन एक्स और जी टू, जी टू जी वन माइनस जी टू यूनियन जी टू माइनस जी वन, और ये वर्टेक्स सेट के बारे में समझाया, फिर मैंने यहाँ पे आपको एसेट के बारे में समझाया, ठीक है, मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, वैसे तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें करी हैं। लो भाई ये ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ये सब चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी, तो उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, और फॉर्मुलेज मैंने आपको थोड़े से डिराइव करके दिखा दिए, बस इतना अगर आप समझ गए हो ना, तो मेरे हिसाब से अब आपकी टेंशन खत्म है, आप इन दोनों ग्राफ का एक्सोर करके मुझे बड़े आराम से बता सकते हो। तो फाइनली देखो होगा क्या, जीवन देखो वर्टेक्स सेट, देखो एक्सोर करने आपको तो जीवन एक्सोर जी टू करना है, तो वर्टेक्स सेट ऑफ जीवन एक्सोर जी टू क्या होगा भाई, दोनों के वर्टेक्स सेट का यूनियन होगा, तो दोनों के वर्टेक्स सेट का आप यूनियन कर दो, तो क्या है भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी और E, है ना, ए सी और ई था, हाँ तो फिर ए बी सी डी और ई आ जाएगा, तो कर लो फटाफट से, है ना, तो जी वन एक्स और जी टू मैं इधर करके दिखाता हूँ, हाँ जी, तो क्या क्या आएंगे भाई वर्टिसेस, ए बी सी डी और ये हम मान लेते हैं ई, ठीक है, तो ए बी सी डी और ये हो गया जी ई, ठीक है जी। अब देखो भाई ए बी एज इस जी वन में है लेकिन जी टू में कहीं नहीं है, तो ए बी एज आएगी, दोनों में से एक जगह होनी चाहिए ना, बार बार क्या समझा रहा, देखो जी वन एक्स और जी टू क्या भाई, एच सेट पहले तो वर्टेक्स सेट की बात करनी थी, तो वर्टेक्स सेट दोनों का यूनियन हो चुका था, तो मैंने यूनियन करके वर्टेक्स सेट सारे बना लिए ए बी सी डी ई। अब एजेस की कहानी करो, एजेस क्या होंगे भाई, या तो इधर प्रेजेंट हो और इधर ना हो, या फिर इधर प्रेजेंट हो इधर ना हो, सिंपल एक्स और कुछ भी नहीं है भाई, प्लीज मेरे से ज्यादा मत लो, आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है जी। तो अब ए बी की कहानी करो, ए बी यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ठीक है जी, ए बी लिख दी। ए डी की बात करो, ए डी हमारे पास यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ठीक है जी, ए डी की ए डी लिख लो, अच्छा जी। उसके बाद सी डी की बात करो, सी डी हमारे पास यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो सी डी भी लिखो। बी सी यहाँ है यहाँ नहीं है, तो बी सी भी उठा के लिखो। AE, AE हमारे पास यहाँ है बट यहाँ नहीं है, AE उठा के लिखो। CE,
सीई उठा के लिखो, क्योंकि सीई या है या नहीं है, कॉमन सेंस की बात है भाई, ई वर्टिसेस जब या नहीं है तो फिर ऑब्वियस बात है ईसी भी नहीं हो सकती, तो इसी हमने लिख ली है ना, क्योंकि एज हमेशा वर्टिसेस आती है, वर्टिसेस तो एज नहीं है, आई थिंक समझ पा रहे हो ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ, ठीक है जी। तो ये है जी एसी है ना, हाँ जी, तो एसी एसी हमारे पास यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो एसी भी बना दो बस। तो ये आ गया जी हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बाय चांस ऐसा हुआ है कि एज या तो यहाँ थी और यहाँ नहीं थी, या फिर यहाँ थी और यहाँ नहीं थी, तो इस हिसाब से बन के आया है। आप प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो भाई, अगर कोई कॉमन आ रही होगी, जैसे सपोज कर लो ये डी ले लेता मैं है ना, ए के बजाय अगर मैं इसको डी ले लेता तो आप अपने आप चेकिंग कर सकते हैं। तो मैं फटाफट कर दूं, चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे एक्चुअली सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है, तो शायद आपके मन में कुछ गलत इमेज ना बैठ जाए, इसलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये लो भाई ले लेते हैं जी, ये ए बी सी डी है ना, और ये डी सी और ये ई, ठीक है। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस कराओ फटाफट से, तो वही बात है हम ले लेते हैं फटाफट से ए बी सी डी, तो ये हो गया ए बी सी डी और ये हो गया जी ई, वर्टेक्स सेट का यूनियन हो गया, एज इज प्रेजेंट बट नॉट हेयर, और प्रेजेंट है बट नॉट है, ऐसे करना ए बी, ए बी देखो बस सीधी, अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करूंगा फटाफट से, देखो ए बी बी डी, बी डी यहाँ नहीं है ठीक है, बनाओ सी डी, सी डी यहाँ है तो मत बनाना, दोनों जगह होगी ना तो मत बनाना, ए सी यह है या नहीं है सी को बना लो भाई ए सी, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात करो, जब ए वर्टेक्स यहाँ या नहीं है तो ए वाले सारी एजेस आनी आनी थी, तो इसलिए ए बी और ए सी हमने लिख ली, ठीक है जी। अब बात करो जी ई वर्टेक्स क्योंकि यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ई वाले सारी उठा उठा के लिख लेना, ई डी है ना और ईसी, लो जी ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, आई थिंक समझ गए होगे, ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट, वही बात है जैसे अभी कराया था बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बना के मैंने दे दिया आपको, हाँ जी। तो साइज वाइज आपको निकालने आते हैं, प्लीज एक्स और आपको आता है ना, हाँ जी। तो मेरे को जरा बताओ फटाफट से वर्टेक्स सेट ऑफ G1 एक्स और G2 क्या होगा भाई, वर्टेक्स सेट ऑफ साइज पूछ रहे हैं ना, साइज अच्छे से पढ़ो, साइज पूछ रहे हैं वर्टेक्स सेट ऑफ G1 एक्स और G2 का साइज, तो इनके यूनियन का साइज है ना, तो मतलब आप ऐसे बोलोगे इसका साइज विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 यूनियन G2, ये भी मैं आपको बता के आया हूँ उसका साइज, प्लीज बार बार चीजें मत बुलवाओ मेरे से, vertex set of g1 x is g2 is what, vertex set of g1 union g2, that is vertex set of g1 union vertex set of g2, ठीक है जी। तो vertex set of g1 union g2 कैसे करते हैं भाई, vertex set g1 का साइज प्लस vertex set g2 का साइज माइनस vertex set of g1 intersection g2 का साइज, ये आपको याद आ रहा होगा भाई, साइज वाली बात है और कुछ नहीं, वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो बस ये आपके पास है ना तीनों चीजें, बस फटाफट से कर लो काम खत्म है, हां जी। तो क्या आंसर आएगा भाई इसका, 5 + 3 - 2, 5 + 3 = 8 - 2, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो वर्टेक्स सेट ऑफ ये इसका आंसर कितना आएगा जी, 6, ठीक है। एस सेट ऑफ G1 एक्स और G2 विल बी व्हाट, एस सेट ऑफ G1 एक्स और एस सेट ऑफ G2 मैंने बोला था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये देखो भाई ऊपर एस सेट ऑफ G1 एक्स और G2 क्या, एस सेट ऑफ G1 एक्स और एस सेट ऑफ G2, तो एस सेट ऑफ G1 एक्स और एस सेट ऑफ G2 का साइज कैसे निकालोगे, ये आपको पता है, दो सेट्स है ना, तो आपको ये आता नहीं है क्या, एस सेट ऑफ G1 थोड़ा सा गंदा हो गया, एसेट ऑफ G1 XOR एसेट ऑफ G2 इसका साइज कैसे निकालोगे, A XOR B का साइज कैसे निकालते थे भाई, A का साइज प्लस B का साइज माइनस 2 times A इंटरसेक्शन B का साइज, ये याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वीडियो देखो, यही तो बात है ना भाई, गेट एग्जाम में ऐसी कर करके न्यूमेरिकल बना के आपको फंसा सकते हैं, तो बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे भाई, E ऑफ G1 का साइज कितना गिवन है भाई, 6 गिवन है, तो मैं फटाफट से कर लूं, 6 + 3, ये 3 था ना भाई, e of g2 का साइज 3 था और e of g1 इंटरसेक्शन g2 का साइज 1 है, तो क्या कर लेंगे, -2 × 1, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 टाइम्स इंटरसेक्शन भी सबट्रैक्ट किया करते थे, हाँ जी। तो 6 × 3 = 9, 9 - 2 = 7, तो 7 इज द आंसर है, ठीक है। चलो भाई अब मैं कर देता हूँ छोटा, आप कर लो इस सब चीजों को नोट डाउन, ये एक स्क्रीन पे मैंने करने की कोशिश करी है ना, मेरे ख्याल से सब विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, नहीं हो रहा शायद है ना, तो चलो फिर थोड़ा और बड़ा करते हैं और अपना आपको दिखाते हैं ढंग से फिर, और क्या है ना, हाँ। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, ये तो आपने देख लिया होगा, तो लो भाई यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लो नोट डाउन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लो, उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है ये नोट डाउन कर लो, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और एक स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है जी, कर लेना नोट डाउन, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ऑपरेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके बाय बाय।